तो कंप्यूटर देख रहे थे, कल शुरू किए थे कंप्यूटर का इतिहास शुरू किए थे। ठीक, तो कंप्यूटर के इतिहास को ही आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर के हिस्ट्री के कुछ पॉइंट देखे थे, जो कल नहीं आए थे वो चैनल में हमारे वीडियो अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। और मैं भी थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूंगा। आपको एक टेबल बनाना है जिसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखे थे हम, उस कंप्यूटर का नाम, ठीक है, जो कंप्यूटर डिवाइस है। फिर क्या लिखे थे, ईयर। उसके बाद हम लिखे थे उसका खोजकर्ता या इन्वेंटर, ठीक है, या आविष्कारक जिसने भी उसे बनाया है, और उसकी कोई विशेषता। ठीक है, तो चार पॉइंट हम कल देखे थे, उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें पहला कंप्यूटर हम क्या देखे थे, अबैकस। अबैकस की क्या खासियत है, कब बना है ये कोई नहीं जानता, 5000 साल पहले। लेकिन कुछ अच्छी बुक फॉलो करेंगे तो ईयर क्या लिखा हुआ है, 1602। चूंकि 5000 साल पहले की बात है, इसीलिए किसने बनाया कोई नहीं जानता, लेकिन किस देश ने बनाया, तो किस देश ने बनाया है, चीन के द्वारा बनाया गया है। ठीक, अबैकस केवल जोड़ने घटाने और गुणा करने के ही काम आता था। इतने पॉइंट देखे थे। अबैकस शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है, व्यापम का क्वेश्चन रहा है, और वो ग्रीक शब्द क्या है, अबैक्स, मिलता जुलता है। ठीक, तो अबैकस से रिलेटेड इतने पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, दूसरे प्रकार का जो कंप्यूटर था वो क्या था, नेपियर बोन्स। ठीक है, अगर पहला कैलकुलेटर दुनिया का कौन सा है पूछा जाए तो आंसर क्या है, अबैकस। ठीक, फिर नेपियर बोन्स आता है। नेपियर बोन्स का साल कौन सा है, 1617। नेपियर शब्द है, बनाने वाले के भी नाम में नेपियर है, कौन है, जॉन नेपियर। ठीक है, जॉन नेपियर ने इसे बनाया था। चूंकि बोन्स यहां पर लिखा हुआ है, उसकी खासियत है क्योंकि ये किससे बना हुआ है, हड्डियों से बना है, और ये भी आपका जोड़ने घटाने और गुणा करने के काम आता था, रेटिनोलॉजी। ठीक, हड्डियों की ये आयताकार पट्टी होती थी, और आयताकार पट्टी को खसका के जो कैलकुलेशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेटिनोलॉजिया। ठीक है, तो यहां तक चीजें कल देखे थे। इसके अलावा तीसरा डिवाइस कौन सा देखे थे, पास्कलाइन देखे थे। ठीक है, तो पास्कलाइन कब बना, 1642। बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, ब्लेज पास्कल। बनाने वाले व्यक्ति का नाम ब्लेज पास्कल, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या खासियत है इसकी, पूरे दुनिया का पहला क्या है, ये मैकेनिकल एडिंग मशीन। पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन, ठीक है, मैकेनिकल एडिंग मशीन कहा जाए, ठीक है, या पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाए तो क्या है, पास्कलाइन। ठीक, मैकेनिकल शब्द कहने का क्या मतलब है, क्या नहीं होगा इसमें भाई, चीजें मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, डिजिटल होती है, चार प्रकार की मशीनें होती है, तो मैकेनिकल मशीन कौन है, जिसमें कुछ भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वो क्या है, मैकेनिकल। आपकी जो टिप टॉप जैसी पेन है वो भी एक मैकेनिकल मशीन है, आपका दरवाजा का जो कब्जा है वो भी क्या है, एक मैकेनिकल मशीन है, क्योंकि उसमें कुछ भी बिजली नहीं है। पंखे की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक, आपके मोबाइल की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जहां 01 का काम हो रहा है, बाइनरी का काम हो रहा है, वो सब डिजिटल डिवाइस। तो चारों शब्द में फर्क समझ आ रहा है। तो पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, आपका पास्कलाइन। ठीक, फिर चौथा भी मैंने आपको बताया था, चौथा कौन सा है, डिफरेंशियल इंजन। ठीक है, डिफरेंशियल इंजन कब बना है, 1820 ही याद रखना है,
कुछ कुछ बुक में 1822 लिखा है, 1820 ही याद रखना है। बनाया किसने? चार्ल्स बैबेज ने बनाया है। चार्ल्स बैबेज बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्यों? कौन है ये? फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है? चार्ल्स बैबेज। लेकिन चार्ल्स बैबेज के द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया वो इसके बाद है। डिफरेंशियल इंजन नहीं है, वो है एनालिटिकल इंजन, इसके बाद देखेंगे। डिफरेंशियल इंजन में हम और एक खासियत देखे थे, क्या? दशमलव के कौन से स्थान तक स्टोर कर सकता है? 20। ठीक, तो दशमलव के बाद 20 स्थान तक ये डेटा को स्टोर नहीं सॉरी दशमलव के बाद 20 स्थान तक कैलकुलेट कर सकता, ध्यान रहेगा। इतने पॉइंट हम कल तक देखे थे। चार्ल्स बैबेज कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन, जो कि कंप्यूटर के जनक है, इसीलिए आपको याद रखना है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसके आगे देखना शुरू करते हैं। अब डिफरेंशियल इंजन के बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पूरे दुनिया का पहला कंप्यूटर माना गया है, वो है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, बाकी भी ऐसा ही टेबल बना लेंगे एक, जिनका आज पहला दिन है, अब बाकी पुराने टेबल को ही कंटिन्यू करेंगे। एनालिटिकल इंजन बना है आपका 1837, कुछ जगह 1840 1842 लिखा हुआ मिलेगा, आपको ईयर क्या लेना है? 1837 एग्जैक्ट। बनाने वाले व्यक्ति यही है, कौन? चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया है। और जो एनालिटिकल इंजन है, एनालिटिकल इंजन ही पूरे दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है। पूरे दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, या पूरे दुनिया का पहला कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकल इंजन पूरे दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज ने। कौन सा कंप्यूटर है वो? एनालिटिकल इंजन। इसीलिए चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसीलिए चार्ल्स बैबेज क्या कहलाएंगे? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक, अब एनालिटिकल इंजन से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हैं, वही कुछ जो बेकार फैक्ट होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे डिफरेंशियल इंजन से संबंधित जो प्रश्न आया था, दशमलव के कितने अंक तक वो शुद्धता से कैलकुलेट कर सकता है, तो कितने अंक तक? 20 अंक तक, वही 20 को पकड़ लेना है। और एक और क्वेश्चन आया है कि एनालिटिकल इंजन कितने अंक का डेटा स्टोर कर सकता है, कितने अंक का डेटा स्टोर कर सकता है, तो कितने अंक का? 20 अंक का। ठीक है, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप रट लेंगे। एनालिटिकल इंजन कितने अंक तक का डेटा स्टोर कर सकता है, तो कितने अंक तक का? 20। तो कई जगह 20 है, डेटा याद करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया है जो एनालिटिकल इंजन से ही संबंधित है, कि एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्राम को स्टोर करने वाली महिला कौन है? एडा। एडा क्या आ गया? लेडी अगस्टा एडा। ठीक, तो याद रखना है कि एनालिटिकल इंजन के ही अंतर्गत पहली बार प्रोग्राम एक्चुअल में स्टोर नहीं किया गया था, एग्जैक्ट लिखना, पहली बार प्रोग्राम सेव नहीं हुआ था ना, केवल इंस्टॉल हुआ था। पहली बार प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली महिला, आया हुआ क्वेश्चन है, एक ही बार आया है, तो नाम याद रख लेना है, लेडी अगस्ता एडा। ठीक है, कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में ही चार्ल्स बैबेज के साथ ये काम कर रही थी। तो प्रोग्राम स्टोर किसने किया, प्रोग्राम इंस्टॉल किसने किया? लेडी अगस्ता एडा ने किया। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन से संबंधित इतना फैक्ट याद रखना है। बीस अंक तक का डेटा, जैसे हमारा मोबाइल कितने डिजिट का होता है? 10। वैसे ही 20 डिजिट तक का कोई डेटा वो स्टोर कर सकता, 20 डिजिट, तो ये याद रखना है। यहां पर, यहां तक के पॉइंट क्लियर है?
अब इसके साथ ही एक और याद रखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें माना गया है? चार्ल्स बैबेज। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फादर ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, फादर ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या फादर ऑफ एडवांस कंप्यूटर, तो आपका आंसर होना चाहिए एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एडवांस कंप्यूटर यानी जो आज की डेट में हम कंप्यूटर देख रहे हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप हो गया हमारा, तो फादर ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कौन है? एलन ट्यूरिंग। ठीक, तो फादर ऑफ एडवांस कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इनमें से कुछ भी पूछे आपका आंसर क्या है? एलन ट्यूरिंग। ध्यान रहेगा दोनों पॉइंट। चलो अब आगे चलते हैं। अब एनालिटिकल इंजन के बाद अगला जो डिवाइस आपको याद रखना है कौन सा नंबर हो गया? छठवां। छठवां डिवाइस याद रखना है टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन। ठीक, टैबुलेटिंग मशीन आया है आपका 1880। ठीक, टैबुलेटिंग मशीन याद रखना है 1880। इसे बनाने वाले हैं हरमन हॉलरिथ। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन बनाने वाले हैं हरमन हॉलरिथ। ठीक, टैबुलेटिंग मशीन की खासियत ये थी कि पहली बार किसी इनपुट डिवाइस का उपयोग हुआ। अभी तक इनपुट डिवाइस का उपयोग नहीं हुआ था, टैबुलेटिंग मशीन में ही पहली बार इनपुट डिवाइस का उपयोग हुआ। और जो इनपुट डिवाइस उपयोग में लाई गई वो इनपुट डिवाइस थी पंच कार्ड। ठीक है, तो पहली बार इनपुट डिवाइस का उपयोग हुआ किसी कंप्यूटर में, और जो पहली इनपुट डिवाइस यूज की गई कंप्यूटर में कौन से इनपुट डिवाइस थी? पंच कार्ड। आज की डेट में पंच कार्ड बहुत सारी चीजों को बोल दिया जाता है, जैसे पंच कार्ड से अवेयर है, बताइए क्या होता है पंच कार्ड? सुने हैं पंच कार्ड? क्या होता है? वो कागज में होल करते हैं, तो पंचिंग मशीन अलग चीज है। पंच कार्ड आज की डेट में आपने देखा होगा कि किसी अच्छे ऑफिस में जब कोई एम्प्लॉई आता है तो एक कार्ड लगाता है दरवाजे में, दरवाजा ओपन होता है, उसे पंचिंग करना कहते हैं। और वो कार्ड क्या कहला रहा है? पंच कार्ड, जो बेसिकली आपके अटेंडेंस के लिए काम आ रहा है। जमाना बायोमेट्रिक का हो गया है तो वो काम आजकल अंगूठे से हो जा रहा है। ठीक, लेकिन जो इस जमाने का पंच कार्ड रहा है, वो पंच कार्ड ऐसा था कि लोहे की बड़ी बड़ी पट्टियां होती थी और उसमें होल होते थे। ये तीन होल का मतलब ए हो गया, बीच में ऐसा दो होल है उसका मतलब बी हो गया, कहीं और होल बना दी है उसका मतलब एक हो गया, ये पट्टी डल रही है तो एक, ये पट्टी डल रही है तो बी इनपुट हुआ है, ये पट्टी डल रही है तो ए। इस प्रकार की डिवाइस क्या कहला रही है? पंच कार्ड, उस समय ना, अभी ऐसा नहीं है। तो ये पंच कार्ड आपको याद रखना है। इसीलिए हरमन हॉलरिथ को इनपुट डिवाइस का जनक भी माना गया। इनपुट डिवाइस का जनक या इनपुट यूनिट के प्रणेता, ऐसा कुछ भी पूछेगा तो आपका आंसर कौन है? हरमन हॉलरिथ। ठीक, बहुत सारे जनक यहां पे आएंगे ना, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, टैबुलेटिंग मशीन से कुछ और फैक्ट याद रखना है। जैसे टैबुलेटिंग मशीन इस प्रकार फेमस हुआ कि टैबुलेटिंग मशीन नाम से कंपनी ही बन गई। जिस कंपनी का नाम क्या था? टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। और यही कंपनी आगे जाकर 1925 में, रट लेना है ना साल, बन गई आईबीएम। आईबीएम कंपनी का नाम सुने है? क्या है फुलफॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी व्यापम में आया हुआ है। और आईबीएम कंपनी कब बनी, ये भी व्यापम में आया हुआ है। जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी होती है वो कब शुरू हुई, प्लस उसके अगर सीईओ भारतीय है
तो वो तो आपको रटना ही है। ऐसे कौन कौन सी आईटी कंपनी के सीईओ भारतीय जानते हैं आप? गूगल, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला। और कोई आईटी कंपनी? इंफोसिस। कौन है? नारायण मूर्ति। अब तो इंफोसिस तो भारतीय कंपनी है, ठीक है। और कोई विदेशी बड़ी कंपनी? एडोबी। कौन है? शांतनु नारायण। तो ये आपको कलेक्ट करना है चर्चा में जो जो आते जाएंगे। भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय बड़ी कंपनी, जैसे फेसबुक, फेसबुक का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। दो वर्ड होते हैं, एक फाउंडर होता है और एक सीईओ। फाउंडर यानी जिसने उस कंपनी की शुरुआत की वो फाउंडर कहलाएगा, और सीईओ यानी वर्तमान में जो उस कंपनी का मुख्य पदाधिकारी है वो क्या है? सीईओ। तो ये दोनों चीज आपको बड़ी कंपनी के बारे में एक नोट डाउन, नोट्स आपको बनाते जाना है, जो जो चर्चा में आएगा हम देखते जाएंगे। तो वैसे ही आईबीएम कंपनी है, आईबीएम कंपनी की शुरुआत कब होती है? 1925। कई जगह आईबीएम आएगा। जैसे एक छोटा सा फैक्ट अब यही आप नोट डाउन कर लो, अगर आगे मैं भूल जाऊं तो, आईबीएम कंपनी के द्वारा ही पूरे दुनिया का पहला पीसी लॉन्च हुआ था 1980 में। अब आगे भूल न जाए इसलिए मैं बता दे रहा हूं, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरे दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन बनाया? आईबीएम। कब? 1980 में। आईबीएम से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहे, ठीक है। तो टेबुलेटिंग मशीन में इतना चीज याद रखना है, ठीक। अगला, टेबुलेटिंग मशीन के बाद आता है मार्क वन। मार्क वन, ठीक है। मार्क वन के पहले एक और है, अब चलो इसको लिख लियो, उसको चलो लिख लियो, ठीक है। मार्क वन याद रख लेना है, कब आया है? 1944। 1937 भी लिखा हुआ मिलेगा, पर 44 में लॉन्च हुआ है, 44 याद रखिए। इसे बनाया था आईबीएम कंपनी के, आईबीएम कंपनी के हॉवर्ड आइकन में। इसे किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी के ही व्यक्ति हॉवर्ड आइकन ने बनाया था, ठीक है। और मार्क वन की जो खासियत है, मार्क वन की ये खासियत है कि पूरे दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर पूरे दुनिया का पहला। कहने का मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी उपयोग हुआ है, मैकेनिकल डिवाइस भी उपयोग हुआ है, पूरे दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया है कि पूरे दुनिया का पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा है? तो पूरे दुनिया का पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कौन सा है? मार्क वन। तो मार्क वन से इतना फैक्ट आपको याद रखना है। ध्यान रहेगा यहां तक, ठीक। मार्क वन, मार्क वन के बाद आगे सीधा, अब जो एक छूट गया है उसको बता देता हूं। कुछ कुछ जगह लिखा हुआ मिलेगा एबीसी, ठीक है। एबीसी है आपका 1937 में, ठीक। तो एबीसी क्या है? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने का प्रयास था, पर ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है, ठीक। तो एबीसी को बनाया है, जो एबीसी का फुल फॉर्म है एटनासॉफ एंड बेरी कंप्यूटर, यही एबीसी का फुल फॉर्म है। एक व्यक्ति का नाम एटनासॉफ है और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? बेरी, ठीक। तो एबीसी का फुल फॉर्म भी वही है और बनाने वाले व्यक्ति भी वही है, एटनासॉफ एंड बेरी कंप्यूटर। तो ये क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने का प्रयास था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने का प्रयास में कौन सा कंप्यूटर बना? एबीसी, ठीक।
तो कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यही पहला इलेक्ट्रॉनिक है या डिजिटल है, तो उसको नहीं मानना है। ये प्रयास था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक या पहला डिजिटल कंप्यूटर आता है वो है आपका एनियक, एनियक, ठीक है। एनियक आता है आपका 1946 में आता है एनियक, ठीक है। एनियक को बनाया जेपी एकर्ट, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली, ठीक है। जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली नाम आपको लगभग याद रखना है, एग्जैक्ट नहीं रटना है। कुछ हिंदी बुक में मुचली लिखाया रहेगा, वो वही है, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। इन्होंने क्या बनाया? एनियक। और जो एनियक है यही पूरे दुनिया का पहला, अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए तो भी और अगर आपसे डिजिटल पूछा जाए तो भी, पूरे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक, ठीक है। एनियक याद रखना। एनियक से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वो एनियक के फुल फॉर्म से आया है। किसको याद है एनियक का फुल फॉर्म? ई से तो समझ में आ रहा होगा, ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई से है आपका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एन से न्यूमेरिकल, ठीक। फिर आगे इंटीग्रेटर, ठीक। और एंड कंप्यूटर, या कुछ जगह कैलकुलेटर भी लिखा है तो वो सही, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नहीं है, इसके बाद के कंप्यूटर के फुल फॉर्म में ए मतलब ऑटोमेटिक आपको लिखना है। यहां क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ध्यान रहेगा एनियक का फुल फॉर्म। तो एनियक आपका जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली ने बनाया है, पूरे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर है। फुल फॉर्म रट लेना है, सबसे ज्यादा फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन इसमें रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक। अब एनियक के बाद, एनियक जैसे ही मिलते जुलते कई कंप्यूटर है। एनियक के बाद आपका जो अगला आता है वो है एडसेक और एडवेक, ठीक है। एडसेक और एडवेक दोनों आप 1949 याद रखिए, और दोनों को बनाया है जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, एडसेक और एडवेक दोनों को बनाया है किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक। जॉन एक एक ही आदमी है, जॉन वॉन न्यूमैन एक ही आदमी है ना। अब जो एडसेक था, ठीक है, एडसेक की खासियत ये थी कि यहां पर देखो एस लिखा हुआ है, ई से तो इलेक्ट्रॉनिक होगा, डी से क्या है? डीले, और एस से क्या है? स्टोरेज। इसकी खासियत स्टोरेज से संबंधित ही है। तो ये पूरे दुनिया का पहला कंप्यूटर था, पूरे दुनिया का पहला कंप्यूटर जहां एक डिजिटल प्रोग्राम स्टोर किया गया। ठीक है, पूरे दुनिया का पहला कंप्यूटर जहां डिजिटल प्रोग्राम, जिसमें कोई डिजिटल प्रोग्राम स्टोर किया गया, कौन सा है? एडसेक, ठीक। और इसीलिए जॉन वॉन न्यूमैन को बाइनरी स्टोरेज का प्रणेता कहा जाता है, यानी किसी भी डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना या डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने का श्रेय किसे दिया गया है? जॉन वॉन न्यूमैन को। या आप कुछ भी शब्द लिख सकता है कि पहली बार कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर करने के जनक कौन है,
कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। आपको कीवर्ड याद रखना है, पहली बार कंप्यूटर में प्रोग्राम डिजिटल वे में किसने स्टोर किया? जॉन वॉन न्यूमैन। और कंप्यूटर कौन सा था? एडसेट। ठीक, तो इसीलिए बाइनरी स्टोरेज का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को। ठीक, अब इसका फुल फॉर्म याद रखना है, तो ई से तो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ही है। ठीक है, डी से है डीले, इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये क्या है आपका? एडसेक है। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। अब एडवेक की कोई विशेष खासियत नहीं है, कुछ बुक में इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक चूंकि व्यापम में आया है क्वेश्चन और उसने एनिए का आंसर लिया है, तो आप भी एनिए की याद रखिए। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक बोले या पहला डिजिटल बोले, आपका आंसर क्या रहेगा? एनिएक। ठीक, प्रोग्राम स्टोर कहां हुआ है? एडसेक। एडवेक का फुल फॉर्म बस याद रख लेना है, तो एडवेक का फुल फॉर्म लिख लो, किसको पता है? इसे तो इलेक्ट्रॉनिक, फिर डी से क्या है? डीले। डीले नहीं है, डिस्क्रीट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये क्या कहलाएगा आपका? एडवेक। ठीक, और इसके बाद आखिरी कंप्यूटर आपको याद रखना है यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक याद रखना है 1954, 56 भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, 1954। अब फिर से पुराना नाम वापस आ जाएगा, जेपी एकर्ट जॉन मॉचली, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। ठीक है, एनिएक जिन्होंने बनाया था और यूनिवेक, दोनों को बनाने वाले एक ही व्यक्ति है, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। ठीक, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि ये पूरे दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। ठीक है, पूरे दुनिया का पहला कमर्शियल, जनरल पर्पस नहीं है, क्या है ये? पूरे दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर है यूनिवेक। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये है आपका यूनिवेक। ठीक, बन रहेगा यहां तक? ठीक, तो ये कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट है। अब हिस्ट्री में एक और पार्ट बचता है जो है कंप्यूटर की जनरेशन। अब इसके बाद क्या है? कंप्यूटर का विकास होना शुरू हुआ है, समय के साथ साथ चीजें सुधरती गई है। पहले कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, वो छोटा होने लगा। पहले कंप्यूटर स्लो थे, स्पीड बढ़ने लग गई। पहले बिजली ज्यादा ले रहे थे, बिजली कम लेने लगा। तो ये सब विशेषता होते गई और अलग अलग समय में अलग अलग डिवाइस का उपयोग हुआ है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, और वही हमारे एग्जाम का क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं जनरेशन, ये हो गया पूरा लिख लिए। चलिए अब आते हैं कंप्यूटर की जनरेशन में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो मैं पहले एक टेबल बना लेता हूं, उसके बाद आप बनाएंगे।
तो जनरेशन में पहले तो आप यहां पर जनरेशन लिखेंगे कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरेशन के अंतर्गत मेन डिवाइस, ठीक, मेन डिवाइस के बाद यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी डिवाइस और स्पीड। और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एक साथ समझ लेंगे, जैसे कि उनका साइज, जैसे कि जो वो बिजली ले रहे हैं, जैसे कि जो वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जैसे कि कॉस्ट, उनकी लागत। तो ये क्या है, जितना पुराना रहेगा वो सब ज्यादा है, साइज ज्यादा, बिजली ज्यादा, हीट ज्यादा, महंगा ज्यादा, और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाएगी वो क्या होते जाएगा, कम। तो उसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिसे आप याद रखो, फैक्ट यहां पर है, इसको आपको याद रखना है। तो चलो देखते जाते हैं फटाफट। सबसे पहला जनरेशन, कॉलम आपके इतने ही रहेंगे, सबसे पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन आपको लेना है 1940 से लेके 1955 तक, ये कहलाता है कंप्यूटर का पहला जनरेशन। कुछ बुक में आपको चार जनरेशन, कुछ में पांच, कुछ में छह जनरेशन लिखा मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज हमको पांच ही लेना है, और कहां कहां मेन जो डिवाइसेस हैं वो आपको याद रखना। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब्स। 50 बार व्यापम में आया होगा क्वेश्चन कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की मुख्य डिवाइस कौन सी है, वैक्यूम ट्यूब। कांच के ये बड़े बड़े बल्ब जैसे एक जार होते थे जिसके अंतर्गत चार्ज स्टोर होता था, अब वही चार्ज ही कंप्यूटर का डेटा रहता था, उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होता था। तो स्वाभाविक है बल्ब जैसा ये डिवाइस है, बल्ब बिजली ज्यादा लेता है, बल्ब हीट भी प्रोड्यूस करता है, साइज में भी बड़ा होता है, तो इसीलिए ये सब इसकी खराबियां थी जो समय के साथ दूर हुई है। तो वैक्यूम ट्यूब रट लेना है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की मुख्य डिवाइस क्या है, वैक्यूम ट्यूब। इस समय कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, इस समय मशीन लैंग्वेज ही यूज होती थी। और मशीन लैंग्वेज कहने का मतलब है जीरो और वन, यानी जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है उसे पूरा हर अक्षर का या नंबर का जीरो वन में कन्वर्जन पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर केवल वही समझ सकता था। तो इस समय कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, जीरो वन, मशीन लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस समय का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, आपको कुछ जगह लिखा हुआ मिलेगा मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहां से आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो गया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना है आपको, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत होती है पहले जनरेशन से, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी ऊपर ऊपर समझ लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बैच कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक बार में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, या एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, ठीक। तो एक बार में जब बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप सभी को कंप्यूटर मैथ्स पढ़ाना है तो मेरे पास एक रास्ता है, सबको अलग अलग मैं घर जा जाके पढ़ाऊं, या सबको अलग अलग बैठाल के पढ़ाऊं। तो क्या कर रहा हूं मैं, एक बार में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं। दूसरा रास्ता, मैंने सबको इकट्ठा किया, एक बैच बनाया और मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या कहला रहा है, बैच। वही कॉन्सेप्ट यहां यूज होता है कि चूंकि भाई वैक्यूम ट्यूब है, मशीनें महंगी है, पैसा ज्यादा किसी के पास नहीं है, तो एक छोटे से कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर को मत चलाओ, बिजली ज्यादा लगेगा, बहुत सारे कैलकुलेशन इकट्ठा करो और उसको एक साथ एग्जीक्यूट करो। तो इसलिए इस समय किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, बैच। आज भी होते हैं, कहां होते हैं, कैसे होते हैं, वो चर्चा करेंगे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है। मेमोरी डिवाइस यहां पर याद रखना है, पहले होता था आपका मैग्नेटिक ड्रम। सबसे पहले कौन सा डिवाइस यूज होता था, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है।
जैसे कि पंच कार्ड हम समझे थे लोहे की प्लेट में होल रहता था, अल्फाबेट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही बड़ी सी लोहे की प्लेट रहती थी जिसमें बहुत सारे ऐसे होल होते थे, और वही चूंकि गोल करके रखा जाता था, ड्रम की तरह दिखता था, तो वही क्या कहला रहा है आपका, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक, स्पीड की बात करें तो यहां जो कंप्यूटर की स्पीड थी 10^-3 सेकेंड, या आप इसे कहेंगे मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। जो क्वेश्चन बनेगा वो यही से बनेगा, और फर्स्ट जनरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बना है वो यही बना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य डिवाइस कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ एग्जाम में 2-3 बार आया है कि निम्न में से कौन से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं? तो इसके पहले जो आप नाम लिखे थे, इसके जस्ट पहले पहले कौन सा नाम लिखे हो? इसके जस्ट पहले यूनिवैक। जस्ट पहले क्या लिखे हो? यूनिवैक। यूनिवैक के जस्ट पहले क्या लिखे हो? क्या लिखे हो? एडवैक। एडवैक के जस्ट पहले क्या लिखे हो? एडसेक। और एडसेक के जस्ट पहले क्या लिखे हो? एनियक। यही लिखे हो? यही है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, याद रहेगा। कभी सेकेंड जनरेशन का कौन सा है, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन का कौन सा है, ना आया है ना आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कहीं नहीं लिखा है। केवल फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं, यही एग्जाम में आया है और आएगा भी तो यही आएगा, ध्यान रहेगा। तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाएंगे, एनियक से लेके यूनिवैक तक, ध्यान रहेगा। ठीक, अब सेकेंड जनरेशन में आते हैं। सेकेंड जनरेशन आपका रहेगा 1956 से लेकर 1966 तक। ठीक है, ईयर आपको अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1956 से लेकर 63, जो मेरे द्वारा ढूंढा गया है वो 63। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन की जो मुख्य डिवाइस थी वो क्या थी? ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की मुख्य डिवाइस थी ट्रांजिस्टर। ठीक, ट्रांजिस्टर की खोज करने वाले किसको याद है नाम? याद है, नोट देख के बोल रहे हो, जॉन बार्डीन। बाकी बिल्कुल लिख लेंगे, जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रिटन। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले। ठीक है, चूंकि आया है क्वेश्चन इसीलिए याद रखेंगे। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 3 लोगों ने मिलके किया, जॉन बार्डीन, ठीक है, जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिख लो, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रिटन, इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ठीक है, अब यहां लैंग्वेज की हम बात करें तो सबसे पहले जो यहां लैंग्वेज शुरू हुई है वो कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है? असेंबली। तो लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक थोड़ा आधा घंटे टॉपिक रहेगा आने वाली क्लास में। अभी बस ये समझ लो, मशीन लैंग्वेज मतलब यहां केवल किसका इस्तेमाल हो रहा है? 0 और 1, यानी हर अक्षर और नंबर को जो 0-1 के फॉर्म में जानता है वही कंप्यूटर चला सकता है। तो ज्यादा लोग कंप्यूटर चलाने के लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे, ज्यादा लोग कंप्यूटर चलाने के लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे तो कंप्यूटर के फील्ड में पैसा डालने वाले भी लोग कम रहेंगे। तो इसीलिए अंग्रेजी के कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल जब प्रोग्रामिंग में किया गया तो वो लैंग्वेज क्या कहलाई? असेंबली। जोड़ने के लिए एड बोल दे रहे हैं, घटाने के लिए सब्ट्रैक्शन का सब बोल दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL बस लिख दे रहे हैं, तो इस प्रकार की लैंग्वेज क्या कहलाई? असेंबली। ध्यान रहेगा इतना, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे क्या है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर याद रखना है, मशीन बंद हो गया, आपका टोटल यहां पर क्या आ गया? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग के साथ साथ आपका टाइम शेयरिंग भी शुरू होने लग गया।
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच का कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हो, टाइम शेयरिंग अभी बस एक बार सुन लो, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब अलग अलग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग टाइम अलॉट किया जाता है, ठीक, यानी हर कोई अपना टाइम शेयर कर रहा है, तो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाएगा? टाइम शेयरिंग। और भी उसमें दो तीन चीजें होती हैं जिसको उस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टाइम शेयरिंग भी आ गया है। मेमोरी डिवाइस की हम बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम की जगह अब क्या आने लग गया, यहां पर सबसे पहले मैग्नेटिक टेप आया है, मैग्नेटिक डिस्क नहीं ना। मैग्नेटिक टेप किसको कहते हैं? मैग्नेटिक टेप सुने कि नहीं? फ्लॉपी सुने हैं? फ्लॉपी ही क्या कहलाता है? मैग्नेटिक टेप। कैसेट सुने हैं? गाने वाला जो कैसेट आता है, रील लगा होता है, वो रील क्या है? मैग्नेटिक टेप, ठीक। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक ड्रम के बाद स्टोरेज डिवाइस आई वो क्या थी? मैग्नेटिक टेप। इसमें भी बहुत सारी खराबी थी, इसीलिए फिर हार्ड डिस्क आया अगली जनरेशन में। स्पीड बढ़ गया, तीन 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 बढ़ाते जाना है, आसान रहेगा। तो अब 10^10 कितना हो जाएगा? -6 सेकेंड, जिसे क्या कहा जा रहा है? माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब बस ये सब बिजली पानी, पानी नहीं, बिजली हीट कम होने लगा। जान रहेगा। उसके बाद आ जाना है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन रहेगा आपका 1964 से लेकर के 74 तक, ये है आपका कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन, ठीक। थर्ड जनरेशन की मुख्य डिवाइस, ये सब कई बार व्यापम का क्वेश्चन रहा है ना, मेन डिवाइस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहा है। अब बहुत सरल है, एक एक शब्द आपको याद रखने। तो थर्ड जनरेशन की मुख्य डिवाइस क्या है? आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्वेश्चन रहा है क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। आईसी के आविष्कारक पूछे गए हैं एग्जाम में। आईसी का आविष्कार किया है जैक किल्बी ने। जैक किल्बी, रॉबर्ट नोई, ठीक है। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, जान रहेगा, ठीक। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसान भाषा में याद रखना है, यहां से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू हो गई। पीएल लिख दे रहा हूं मैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन अलग है, कब कब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी कैसे कैसे यूज हुई है उसको वहां देखेंगे। तो यहां से अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लग गई, याद रखना। इसके साथ ही अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, टीएस लिख दे रहा हूं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, और इसके साथ अब क्या आने लग गया है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग गया है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन ही प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य तौर पे होते हैं, तो अब तीनों का इस्तेमाल यहां पर किया जाने लगा। रियल टाइम जैसा कि नाम से लग रहा है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन व्यापम में कई बार आए, जैसे अभी समझ लेते हैं, पढ़ेंगे भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में। रियल टाइम कहने का मतलब क्या हुआ? इसी समय, जो इसी समय घट रहा है उसी आधार पर कंप्यूटर काम करे, तो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रियल टाइम। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहां पर पेन चला रहा हूं, अब 5 मिनट बाद वो लिखाएगा, तो वो रियल टाइम हुआ क्या? लेकिन अभी ये रियल टाइम वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार के सिस्टम को चलाने के लिए कैसा चाहिए? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक। आप गाड़ी चला रहे हैं, उसमें आपको जो स्पीडोमीटर बता रहा है, अगर 2 मिनट के बाद आपकी स्पीड बताएगा तो काम कहेगा, वहां भी रियल टाइम चाहिए। हॉस्पिटल में बॉडी का जो पैमाना ले रही है मशीन, वहां पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कि बैच या टाइम शेयरिंग होगा, कि जब 50 पेशेंट एक साथ आएंगे तो सबका हम बीपी नाप के बता देंगे, ऐसा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बैच जैसा? कैसा होगा? रियल टाइम, ठीक। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि
एयर फ्लाइट कंट्रोल में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो भाई फ्लाइट आने वाली है उसको जानकारी सरफेस की 10 मिनट बाद देंगे कि तुरंत देना जरूरी है, तो वहां कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। ऐसे दो तीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में। अब यहां पर याद रखना है मैग्नेटिक टेप की जगह आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क को ही हम आम भाषा में क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क, ठीक। और इसी जनरेशन में आप याद रख सकते हो, या चलो अगले में ले लेना उसको, अभी सबसे पहले क्या आ रहा है, मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, ठीक। स्पीड फिर से 3 कम कर दो तो 10^5 क्या होगा, -9 सेकेंड, जिसे क्या कहेंगे, नैनो सेकेंड। आप देखिए जो फोर्थ जनरेशन है, ठीक, कुछ अच्छी बुक फॉलो करेंगे तो ये 1974 से वर्तमान तक मानी गई। अब मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको कुछ जगह आपको 1991-92 से लिखा हुआ मिलेगा, मत लेना, सीधा 74 से कहां तक, वर्तमान। फिर पांचवी जनरेशन वर्तमान से भविष्य वाली रहे, ठीक। अब यहां पर जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसी का और विकास किया गया, बहुत सारे आईसी को जोड़ के इसे फास्ट किया गया है, तो बहुत सारी डिवाइसेस आई है जो चौथी और पांचवी दोनों जनरेशन में रहेंगे। तो आप चौथी और पांचवी दोनों को साथ में लिखिए, क्योंकि पांचवी भविष्य का है, पांचवी जनरेशन कहने का मतलब वर्तमान से भविष्य, ठीक है। तो यहां पर आईसी को ही एडवांस किया गया, तो सबसे पहले यूज हो रहा है आपका LSI, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म आया है। LSI को एडवांस किया गया तो यूज हो रहा है आपका VLSI, उसे एडवांस किया गया तो यूज हो रहा है आपका ULSI, और एडवांस किया गया तो क्या है आपका XLSI, वर्तमान में हो रहा है और आगे भी होगा। LSI का फुल फॉर्म किसको पता है, आई सब जगह यही है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और LSI में LRS क्या है, लार्ज स्केल। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट में आईसी, ठीक। तो LSI का फुल फॉर्म, ये भी व्यापम का कई बार प्रश्न रहा है, LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI बहुत सरल है, V बस क्या हो जाएगा आपका, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। U क्या हो जाएगा आपका, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और X क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज, कपड़ा है, टी शर्ट है, एक्सेल। कंप्यूटर में याद रखो, जहां एक्स वर्ड आया, एक्स का संबंध होगा एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान रहेगा। एक्स मतलब एक्स्ट्रा नहीं कर देना, एक्सटेंडेड। एक XLSI आएगा, XHTML आएगा, XML आएगा, जहां जहां X वर्ड आएगा उसका एक ही मतलब है क्या, एक्सटेंडेड। तो कुछ नहीं है, बहुत सारे IC को जोड़ दिए तो लार्ज हो गया, और बहुत सारे लार्ज को जोड़ दिए तो वेरी लार्ज हो गया, बहुत सारे वेरी लार्ज को जोड़ दिए तो अल्ट्रा लार्ज हो गया। अब अपने मैक्सिमम सिचुएशन में पहुंच गए। कंप्यूटर में एक्सटेंडेड का वर्ड ये होता है कि जब आप मैक्सिमम संसाधनों का उपयोग कर लो, जैसे मान लो बहुत सारे ये सारी चीजों को जोड़ के हमने क्या बना लिया, एक ULSI। अब इसमें कुछ भी नहीं जुड़ सकता, तो ऐसा ही हम एक और लगा देते हैं, उसे ही क्या करना, एक्सटेंड करना कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्सटेंड। एक्सटेंड करना पर सुने हैं, एक्सटेंड करना, एक्सपांड करना, मतलब जो है उससे बढ़ाना, तो इसीलिए क्या कहलाता है, एक्सटेंड। ध्यान रहेगा यहां तक, ठीक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेम लिख लोगे, हाई लेवल लैंग्वेज ही रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप सेम लिख लोगे, यही तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, सेम। लेकिन अभी स्टोरेज डिवाइस बदल जाएगी, मैग्नेटिक डिस्क के साथ साथ अब आ जाएगा क्या, ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क के साथ एक और याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइस पूरा एक सिलेबस में चैप्टर है, 2-3 क्लास का हमारा टॉपिक भी है, आगे देखेंगे। तो मैग्नेटिक मतलब समझ लो मेटल में स्टोर हो रहा है, ऑप्टिकल यानी जैसे आपका सीडी डीवीडी लेजर के माध्यम से स्टोर हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि आपका पेन ड्राइव और वर्तमान में एसएसडी जो सबसे फास्ट होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस, इसको सबको पढ़ेंगे आगे, ठीक। और स्पीड आपका और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10^-12 सेकेंड, जिसे क्या कहेंगे, पीको सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये सब कौन सी जनरेशन तक है, चौथी जनरेशन तक है। अब पांचवी जनरेशन में स्पीड को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो जो पांचवी जनरेशन में यानी भविष्य की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 10^-15 सेकेंड। फिर से 3 कम कर देना, 10^-15, क्या कहते हैं इसको, फेम्टो सेकेंड, ठीक है। पीको से छोटा करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, फेम्टो, ठीक। और 10^-18, 15 अचीव कर लिया गया है, 10^-18 का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कहते हैं एट्टो सेकेंड, 18 से एट्टो लिंक कर लेना ऐसा, धन रहेगा इतना। अब देखिए हिस्ट्री है तो फैक्चुअल चीजें हैं, समझने वाला टॉपिक इसके बाद धीरे धीरे शुरू होगा, तो आपको यहां तक की चीजें तो रटनी ही है। लेकिन हाँ ये भी है कि हिस्ट्री में इससे बाहर के क्वेश्चन आपको वही दिखेंगे जो एकदम उटपटांग टाइप आ जाएंगे, कि हरमन ओहलेरिथ के साथी का नाम क्या था, उसके बेटे का नाम क्या था। आप कभी व्यापम में आएगा तो अगली बार हम उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन विवादित आते हैं जो छोड़ने के लिए ही होते हैं, वो किसी से नहीं बनने वाले। तो जो हमारे स्टैंडर्ड पैटर्न के क्वेश्चन है, जो आपको लगभग सभी बुक्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो हिस्ट्री वाला पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा इतना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।